मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी और आपका फोकस और आपका इंटरेस्ट ज़्यादा किस पर रहेगा? नहीं, सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाई दी है, उसके लिए मेरी ओर से ना दिल से मैं धन्यवाद कहता हूँ। डेफिनेटली प्रायोरिटी वाइज देखें तो आपकी ना गवर्नमेंट की और आम जनता का सिटी की प्रायोरिटीज़ हैं, वही है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रायोरिटी होगी। जैसे कि हम लोग इंदौर सिटी के बारे में काफ़ी सुना है, पहले से बहुत ही अच्छा है ना कर रहे हैं प्रदेश में, देश में ना ऑलरेडी नाम है स्वच्छता में, उसको कायम रखना, उसका परंपरा को है ना लगातार है ना जारी रखना हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ना एक जिम्मेदारी के साथ हम इस काम को करेंगे। उसके अलावा हम लोग, मैं अभी आज ज्वाइन किया हूँ, मैं बिल्कुल इसका ना पूरा अध्ययन करूँगा, जैसे कि ना वाटर प्लस सिटी है ही है, अभी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लेकर भी है ना आई थिंक काफ़ी कुछ है ना प्रयास चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, उस दिशा में एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का प्रयास कर सकता है वो भी करेंगे। स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम लोग अभी नेक्स्ट जून तक है ना हम लोग है ना फाइनल सिटी पे सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन में लाना है, उसके क्वालिटी है ना ऑफ वर्क है, उस क्वालिटी के साथ है ना उसको कंप्लीट करना है, उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। कितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी चल रही है और अधोसंरचना के ना प्रोजेक्ट चल रही है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सारे एजेंसी के साथ है ना कोऑर्डिनेट करते हुए फैसिलिटेट करते हुए उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं उसको भी हम लोग ना प्रयास। सुना है कि आप अतिक्रमण के उस पर